हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड का मतलब समझने वाले हैं, हमारा आज का वर्ड है हाइपोवोल्यूमिक शॉक। हाइपोवोल्यूमिक शॉक होता क्या है? एज इट्स नेम इंडिकेट, हाइपो का मतलब होता है कम और वोल्यूमिक का मतलब होता है वॉल्यूम से, और वॉल्यूम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो है ब्लड से, और शॉक मतलब जो आपके बॉडी में ब्लड की कमी होने की वजह से जनरेट हुआ है वो आपका कहलाता है शॉक। सो शॉक का एक टाइप ही है हाइपोवोल्यूमिक, क्योंकि इसके बाद देखेंगे तो कार्डियोजेनिक शॉक आ जाएगा, सेप्टिक शॉक आ जाएगा, एनाफिलैक्टिक शॉक आ जाएगा, बट आज हम बात करने वाले हैं इसी हाइपोवोल्यूमिक शॉक का। किसी भी कारण से, चाहे वो हीमोरेजिक कंडीशन हो, चाहे वो एक्सेसिव ब्लीडिंग रहा हो, या कोई और कारण जिसके कारण से आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो रही हो, तो फिर वो आपके ब्लड में एग्जैक्ट जो अमाउंट में हमको ब्लड चाहिए रहता है वो पूरा करने नहीं देता, पूरा होने नहीं देता। इसकी वजह से हमारे हार्ट पे जो एक शॉकिंग इफेक्ट पड़ता है, यही आपका हाइपोवोल्यूमिक शॉक कहलाता है, और इसकी वजह से काफी हद तक पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसको मैनेज करने के दो मेन तरीके होते हैं, या तो आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर दो, जैसे हीमोरेज को ठीक कर दो जिसकी वजह से ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है और आपके बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है। दूसरा, अगर आप उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते तो उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो हाइपोवोल्यूमिक की थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो मिलाकर के यही मतलब है, हाइपोवोल्यूमिक शॉक एक ऐसा शॉक है जिसका कारण होता है कि आपकी बॉडी में जितनी जरूरत पड़ती है ब्लड की उतना अवेलेबिलिटी ना हो पाए, तो उससे जो शॉक लगता है आपके हार्ट को वही कहलाता है हाइपोवोल्यूमिक शॉक। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये केवल डिक्शनरी का डेफिनेशन है, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर डिटेल में आप जाना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे, वहां पे आकर के भी आप उस चीजों को देख सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।